अब राजस्थान में चुनाव होगा, वो कहेंगे केंद्र में हम हैं और यहां डबल इंजन की सरकार बनाओ। देख लेना, पहले भाषण से लेके आखिरी भाषण तक प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब आएंगे तो यही आपको कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हो तो भाजपा को वोट देनी है। आप वोट मांग रहे हो या धमका रहे हो? संविधान पे शपथ लेके आप पदभार संभाले हैं और संविधान में मूल जो स्वभाव है, जो मूल संस्कार है, वो ये है कि बराबरी बराबरी है। कोई भी शासन आपके साथ दुराचार नहीं कर सकता, गलत व्यवहार कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कोई शपथ लेने के बाद कोई नेता नहीं कर सकता, कोई बैर नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। भले आपने वोट दी या नहीं दी, मोदी जी प्रधानमंत्री सबके हैं, सारे सांसद बीजेपी के जिस राज्य से हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के हर एक नौजवान के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक किसान के लिए, हर एक छात्र के लिए, हर एक व्यापारी के लिए काम करें दिन रात। क्या हो रहा है? सुभाष जी ने अभी बताया, वह तो खुद जिस मंत्रालय को संभाल चुके हैं वे भरतपुर में आके कह रहे हैं कि इससे कोई तुम्हें लाभ नहीं होगा। अब वसुंधरा जी धौलपुर में, तो मैं कह सकता हूं कि धौलपुर के लोगों का भला वसुंधरा जी भी चाहती हैं। वसुंधरा जी ने कल्पना की और निर्माण किया जिस योजना का, आज इस धरती पे ब्रज के स्थान पे आके जहां जल संसाधन इतने सीमित हैं, इतने कम हैं, कितना कठिन आपका जीवन है, कैसे कैसे करके बहुत जागरूक हैं ब्रज के लोग, जल को लेकर पूजते हैं जल को, यहां इस क्षेत्र में आके कहते हैं और झूठ के ब्रज को कोई फायदा पूर्वी राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट परियोजना से नहीं है। 35 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल जिस परियोजना का है, पहले तो 13 जिले थे, अब तो जिले भी बढ़ गए। 35 लाख हेक्टेयर जमीन जिस परियोजना से सिंचित होनी है, मतलब 50 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना है, मुझे बताओ एक भी दिन जितने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद हैं, एक भी दिन संसद में खड़े होकर उन्होंने कहीं सवाल किया हो, पूछा हो अपनी डबल इंजन की सरकार जो बनाना चाहते हैं अपनी सरकार से, जो सिंगल इंजन की है, उन्हीं से पूछते कि यहां की सरकार तत्पर है, यहां की सरकार रोज कह रही है एक तरह से अपने केंद्र की सरकार से उनके आगे झुककर, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मदद चाहते हैं राजस्थान की जनता के लिए चाहते हैं, और कोई सहयोग केंद्र सरकार नहीं देना चाहती। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता तो कितना बड़ा लाभ मिलना था, और आप देखिए कैसे धन को लुटाया जा रहा है। 8,000 करोड़ से ज्यादा 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीदने में खर्च हो गए, 1,000 करोड़ रुपए नए संसद भवन की, जिसको देश की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसे किसी किसान से बिना पूछे वे आपके व्यापार पर दंड लगाते हैं और आपके लिए कानून लाते हैं, उसी तरह से बिना किसी सांसद से पूछे सांसदों के लिए नया संसद भवन का निर्माण किया, 1,000 करोड़ रुपए लगा दिए। कुल 20-21 किलोमीटर की द्वारका एक्सप्रेसवे है, सीएजी ने रिपोर्ट किया कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 20 किलोमीटर की सड़क क्या 6,000 करोड़ की लागत से बनती है क्या? कल्पना कीजिए, 6,000 करोड़ रुपए कितना पैसा है। हाँ, हम तो चांद तक पहुंच गए 1/10 हिस्सा में, लेकिन वही पैसा अगर लगाया जाता कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल परियोजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है, तो उसका लाभ यहां धौलपुर के लोगों को, भरतपुर के ब्रज के लोगों को जरूर मिलता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।